विजयदशमी के कार्यक्रम में पहली बार संघ मुख्यालय में कोई महिला पहुंची थी, जिसमें अगर बात करें तो मशहूर पर्वतारोही संतोष यादव थी। और इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जनसंख्या नियंत्रण से लेकर के मुसलमानों तक पहुंचने को लेकर के बयान दिया है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है मुरादाबाद से सांसद स्टेशन साहब। सर, अगर बात करें तो मोहन भागवत जी ने कहा है कि सभी के लिए जनसंख्या नियंत्रण की समग्र नीति बननी चाहिए, जिससे कि हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रित हो सके। देखिए, नीति तो बात की चीज है। मेरी राय तो यह है कि आप अगर सबको एजुकेट कर दें तो जनसंख्या अपने आप ही नियंत्रण में आ जाएगी। जो ज़मीनी तजर्बा हमें यह बताता है कि एजुकेटेड लोग फैमिली प्लानिंग करते हैं और वो दो तीन या एक बच्चे के पर ही इत्तेफाक कर लेते हैं, और ज़्यादातर जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं वो उनके यहाँ हमने ये देखा है कि जनसंख्या ज़्यादा होती है, वो फैमिली प्लानिंग पे अमल नहीं कर पाते हैं। सिर्फ एजुकेशन पे अगर ध्यान दे दिया जाए तो जनसंख्या नियंत्रण हो जाएगी। सर, अगर बात करें तो कई बार बीजेपी के नेताओं की तरफ से भी ये बयान आया कि अल्पसंख्यकों की तरफ से ज़्यादा जो है वो बच्चे पैदा किए जाते हैं, वहाँ पर नियंत्रण की ज़रूरत है। तो उनके बयान के बीच में मोहन भागवत जी का बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि समग्र नीति बननी चाहिए सभी के लिए। देखिए, भागवत जी ने जो कहा सही कहा, सबके लिए एक सी नीति बननी चाहिए। अब ये सियासत होती है कि साहब अल्पसंख्यक जो है ज़्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, अल्पसंख्यक जो है बहुसंख्यक हो जाएंगे। एक आंकड़े के मुताबिक अगर अल्पसंख्यक लोग फैमिली प्लानिंग बिल्कुल ना करें तो 2000 साल लगेंगे हिंदू भाइयों के बराबर में आने के लिए। 2000 साल किसने देखे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो तो एक सियासत है, मुसलमानों से डराना है, वोट हासिल करना है, ये सब बातें आप और जनता इन बातों को समझती है। लेकिन आपको लगता है सर नीति बननी चाहिए, अब जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुस्तान की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। देखिए, जनसंख्या कोई अभिशाप नहीं है, देश की जनसंख्या एसेट है देश का। और आज अगर हमारी इकोनॉमी बैंकरप्ट नहीं हुई है तो उसका बहुत बड़ा रोल जनसंख्या का है। सरकार एक रुपया अगर पेट्रोल डीजल पे बढ़ाती है तो एक दिन में अरबों रुपए कमा लेती है। इंडस्ट्रीज चल रही हैं तो जनसंख्या से चल रही हैं। ब्रेन्स काम करते हैं आपके पास जनसंख्या की वजह से। छोटे छोटे देशों में जहाँ जनसंख्या कम है वो नहीं डेवलप कर पा रहे। हाँ, अब तक जनसंख्या बिल्कुल सही है, इससे ज़्यादा जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए, सेचुरेशन पॉइंट आ चुका है। जनसंख्या कंट्रोल ऐसी भी नहीं होनी चाहिए जैसे चीन ने करी कि वहाँ 60% बूढ़े हो गए, पूरा चीन बूढ़ा हो गया। हम हिंदुस्तान में 57% जवान लोग हैं, हमारा देश जवान है, इसीलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जनसंख्या को अभिशाप कभी नहीं समझना चाहिए, हमें जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए जैसे चीन ने करा। सर, एक इससे अलग सवाल है, मुस्लिम के पास पहुंचने के लिए आरएसएस तमाम सारे प्लान बना रही है। पिछले दिनों देखा गया था कि खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जाके एक मस्जिद में इमाम से भी मुलाकात किया था, मदरसे में भी गए थे। उन्होंने फिर भी दोहराया कि हमारे जो वर्ग हैं उसमें हर समाज के लोग होने चाहिए और हम मुस्लिमों तक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे और उनको आरएसएस के बारे में बताएंगे, तमाम सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। देखिए, मोहन भागवत जी मस्जिद में गए थे, हम सब लोगों ने उसका स्वागत करा था। हम देश के नागरिक हैं, हिंदू मुसलमान जो हमें बचपन से बताया जाता है भाई हैं। हमें ना लड़ाना चाहिए ना हमें लड़ना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज के दौर की राजनीति ना विकास पे होती, ना महंगाई पे होती, ना रोज़गार पे होती, ना किसान पे होती, ना मरीज़ के ऊपर होती, राजनीति होती हिंदू मुसलमान के ऊपर। ये ख़तरनाक ट्रेंड है अपने देश के लिए, ये देश को बर्बाद करने वाला ट्रेंड है। लगता है आरएसएस के भी ये बात समझ में आ गई है कि अब ये राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर वो मुसलमानों को भी अपना भाई समझते हुए, देश का नागरिक समझते हुए, बराबर का हक समझते हुए वो उनके करीब आते हैं तो हमें क्या एतराज़ है इसमें। लेकिन उनकी छवि कुछ इस तरह की पूरे मुसलमानों में है कि आरएसएस मुसलमानों को पसंद नहीं करती और आरएसएस मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, या आरएसएस मुसलमानों को
हिंदू राज बना के मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाना चाहती है। ये मिथ अगर ख़त्म हो जाए और देश के डेवलपमेंट में मेन धारा में देश के लिए मुसलमान किसी भी संगठन से जुड़ सकता है, शर्त यही है कि मुसलमान को भी बराबर का हक मिले और बराबर का इंसाफ मिले। सर एक आखिरी सवाल है, महिला सशक्तिकरण की भी बात की गई है, आरएसएस प्रमुख की तरफ से कहा गया कि महिलाओं को अब सशक्तिकरण होना चाहिए, महिलाओं को भी हर क्षेत्र में आगे आना चाहिए। अच्छी बात है, इस वक्त 21वीं सदी में पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। सऊदी अरब जैसे कंट्री के अंदर हमने देखा कि महिलाएं गाड़ी भी चला रही हैं, हवाई जहाज़ भी चलाने लगी और ऑफिसेज को भी वो संभाल रही हैं। तो महिला शक्ति हमारी 50% महिलाएं हैं, उसको हमने अभी तक यूटिलाइज़ करा ही नहीं था। जब महिलाओं का दिमाग, महिलाओं की एबिलिटीज़, उनका पोटेंशियल इस्तेमाल होगा तो इंसानियत को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। मुरादाबाद से सपा सांसद एसटीएसएन, जिनका कहना है कि जनसंख्या एसेट है और जनसंख्या की वजह से ही आज हिंदुस्तान में तमाम से जो इकोनॉमी वो बेहतर चल रही, लेकिन अब जनसंख्या नियंत्रित होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बेहतर नीति बननी चाहिए। कृष्ण धर्मदान के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।